हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव नेचर में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है वो बड़ी खास है, वो इस टॉपिक पर है। ये मैक्सिकन पिटोनिया, सदाबहार, पिनका, ये जैसे, और ये जैसे आपके डेंथस, ये जरीनियम और कलेंचो, कई सारे प्लांट पर है। तो इसे हम बरसात में हम कैसे बचा सकते हैं? अगर हम कुछ केयर टिप्स होते हैं इसके, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारे प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इतनी बरसात में। तो आइए और देखिए, जो भी हमने कटिंग से लगाया था, अब हमें ध्यान रखना है। अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे, ये केयर टिप्स हम नहीं करेंगे, तो ये हमारे प्लांट, बेशक हमारे ये चल गए हैं कटिंग से, ये ख़राब हो सकते हैं। वो कैसे? अगर हम ये देखो, ये बरसात का समय है तो इसमें ना फंगस बहुत जल्दी पकड़ता है बरसात में। अगर हम नहीं करेंगे तो ये इस तरह ये प्लांट में लग जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये सभी को ख़राब कर देगा। तो ये हमें निकालना है इसको, और जितनी भी गली सड़ी पत्तियाँ हैं, ये फंगस इन पे देखो, फंगस पकड़ जाता है बहुत जल्दी। तो इनको हमने निकाल देंगे, नहीं तो फंगस इसमें सारे में फैल जाएगा। और सभी जितने भी ये गंदी पत्तियाँ हैं, निकालने के बाद हम इस पर क्या काम करेंगे? ये मिट्टी अगर हमारी सूखी है तो इसको हल्के से या तो हाथ से ही कर देंगे, अगर आपकी इस तरह की है तो। अगर नहीं है तो इसको किसी भी चीज़ से इसको गुड़ाई करेंगे हल्की सी, और नीचे ये थोड़ी थोड़ी इस तरह से गुड़ाई करेंगे जिससे ऊपर की मिट्टी ये भुरभुरी सी हो जाए और ये फंगस ना पकड़े फिर। और फिर इसके बाद गुड़ाई करने के बाद हम इसको, अगर कोई फंगस का पाउडर है आपके पास तो ठीक है, नीम खली है या तो उसको बारीक वाला जो पाउडर होता है उसको डाल दीजिए, और नहीं तो हल्दी है आपकी किचन में सबसे बढ़िया, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको ज़रा सी लो और ऐसे इसको छीटा सा लगा दो, पानी में नहीं घोलना क्योंकि इस समय बरसात है। हम इसको मिट्टी में ऐसे ही अप्लाई कर देंगे सूखी, तो ये जो फंगस और आगे पकड़ती वो आगे नहीं पकड़ेगी। फिर जो हल्की फुल्की होगी तो वो इससे ख़त्म हो जाएगी और आगे बरसात में इसको फंगस नहीं पकड़ेगा। तो सबसे अच्छा ये तरीका है, इस तरह से इसको चला दें और इसके जितने भी फंगस वाले हैं ये पत्ते वो सब निकाल दें, जितने भी हमें काली डंडी वंडी नज़र आ रही है सब निकाल दें। और ये प्लांट, अगर आप ये वाले केयर टिप्स करते हैं तो ये चलते रहेंगे प्लांट, फिर ये ख़राब नहीं होते हैं। देखिए, ये हमारा मैक्सिकन पिटोनिया का है, तो इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें तो इसको भी क्या करना है, इसमें भी जितनी गली सड़ी पत्तियाँ या नीचे जैसे ये टच रहती है तो उनको क्या है, निकाल देना। मतलब इसमें सोयल में टच ना हो, अगर सोयल में टच है तो वो पत्तियाँ भी सड़ जाएंगी, प्लांट भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो फंगस मिट्टी से बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और जितने भी ये हमारे सूखे हुए प्लांट पे फूल वगैरह होते हैं या बीज होते हैं, हमें अगर बीज नहीं चाहिए तो हम उसको कट कर दें, और अगर चाहिए तो एक दो रख लो। वैसे इस पे प्लांट पे बीज बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये इसी में एनर्जी लगा देगा और फूल तुम्हें फिर कम देगा। तो मैं क्या काम करूँगी, बस मुझे जितना चाहिए उतना ही बीज सीड्स इसके रोकूंगी बीज, और बाकी इसकी सारी सूखी गली सड़ी पत्ती निकाल के इसको इतना साफ सुथरा कर देंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्की हल्की गुड़ाई कर देंगे। अगर इतनी सॉफ्ट सोयल है तो ये तो हाथ से ही हो जाएगी। और उसके बाद या तो नीम खली डाल दो इसमें, ऊपर से पानी नहीं डालना है क्योंकि गिल्ली है मिट्टी बरसात, तो नीम खली डाल दो या हल्दी पाउडर डाल दो। बस ये इसके केयर टिप्स हैं। और जितनी गली सड़ी पत्तियां हैं सब गमले से पॉट से सब बाहर कर दो, तो इस पर फिर फंगस नहीं पकड़ेगी, क्योंकि फंगस मिट्टी से ही नीचे से पकड़ती है और प्लांट पे वो ऊपर तक फिर चली जाती है। तो ये देखो, ये मैं ऐसे करती रहती हूँ, तो इसको देखो ये बिल्कुल साफ है। और अब मैं दिखाती हूँ जिसको मैंने साफ नहीं किया, ये देखो, ये इसकी सारी पत्तियाँ सारी टच थी इसमें, ये देखो, तो ये मैंने छोड़ दिया था, साफ करने से रह गया था, तो ये देखो कितना सड़ने लग गया। अब ये प्लांट को बिल्कुल पूरा सड़ा देगा अगर मैं इसे साफ नहीं करूँगी तो
तो इसलिए ये सफाई बहुत जरूरी है, ये फंगस पकड़ जाते हैं। तो ये देखो ये बिल्कुल साफ कर देंगे, और जैसे मैंने उसको क्या है इसकी गुड़ाई करके इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए या नीम खाली ऊपर से। अगर सूखी मिट्टी है तो गुड़ाई करके इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दें, पानी के साथ वो नीम ऑयल वगैरह, जैसे नीम अगर सूखा है ये जैसे, तो इस पर गुड़ाई करके, और इसमें पानी तो नहीं डालना, मगर ये है कि हाँ अगर आपके पास नीम ऑयल है या हल्दी पाउडर को ही थोड़ा सा पानी में मिला के घोल और इसमें डाल दो तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि ऊपर जितनी भी ये परत में फंगस है वो उससे ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए मैं इसकी पहले सफाई करूँगी, फिर इसकी गुड़ाई करूँगी, और फिर ये हल्दी पाउडर इसमें थोड़ा सा छिट्टा मार दूँगी, ऊपर से पूरी हल्दी इसमें मिट्टी में ऊपर की लेयर में मैं मिला दूँगी, तो ये फिर इसमें फंगस नहीं पकड़ेगा। और जितनी भी नीचे पत्तियाँ टच हैं मैं उनको सभी को निकाल दूँगी, क्योंकि मिट्टी में बरसात में क्या होता है मिट्टी से ही ये फंगस पकड़ता है, और ऊपर अगर पानी टिक जाता है प्लांट पे तब भी, ऐसे तो ये हार्डी प्लांट होता है ये, तो ये चल जाता, मगर फिर भी ये भी फंगस पकड़ जाता है। जैसे यहाँ से ये पूरा साफ कर दिया मैंने ये, नहीं तो ये पूरा फंगस पकड़ जाता। अब मैं इस पर क्या करूँगी, यहाँ ऊपर तक इसके ये हल्दी लगा देंगे इस पर, तो ये बिल्कुल अच्छे से फिर चल जाएगा और ये चलता रहेगा। ये देखो ये इसके केयर टिप्स हैं, अगर इतने कर लेंगे तो प्लांट हमारा कहीं भी नहीं जाने वाला। वैसे ये तो सीड से बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, मगर अभी हमें फूल लेने हैं सुंदर सुंदर, तो हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा। और ये अगर हमें बहुत जल्दी फूल चाहिए तो ये हम कटिंग से इसकी यहाँ से लगा सकते हैं, तो कटिंग भी आराम से चल जाएगी। और सीड्स लगाएंगे अभी तो सीड्स इसके जम तो जाते हैं, एकदम ग्रो हो जाते हैं। ये देखो जैसे छोटा सा यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये अपना आप ही गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं और अपना भी जमते रहते हैं। अभी दो तीन इसमें बीज पड़े भी हैं, इनको मैं निकाल दूँगी क्योंकि इसमें पहले से ही जमे हुए हैं। ये देखो कैसे गिरे हो गए, तो अगर हमें चाहिए तो बिखेर दो और नहीं चाहिए तो ये कलेक्ट कर लो। तो ये मैं काम करने वाले सभी की, इनकी सफाई करने वाली, और फिर मैं दिखाती हूँ कितना खूबसूरत हो जाते हैं। और इसमें हमें अपना हल्की हल्की गुड़ाई कर देना, देखो ये मैं तो पेंसिल फटी हुई है मेरी, तो इसी से ये मैं गुड़ाई कर दूँगी। ये देखो कितनी अच्छे से हो जाएगी, और जो प्लांट है इसमें उनको बचा दूँगी और बाकी ये गुड़ाई कर दूँगी, और इसमें फिर हल्दी का पाउडर डाल देंगे इस तरह से, कुछ अच्छा सा डाल देंगे। ये देखिए, और जैसे ये सूखी है तो हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल जो होता है तो उसको मिला के और स्प्रे कर देंगे इसमें, या थोड़ा सा किसी उसमें लेके डाल देंगे मग्गे उग्गे में पानी लेके, और थोड़ा सा नीम ऑयल डाले इसमें, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इस समय बारिश बहुत है। तो ये देखिए ये तो मैंने बिल्कुल बिना उसके रखे हुए थे, बारिश में नहीं रखे ये वाले प्लांट मैंने, क्योंकि ये जो हार्डी तो होता है, अगर ये क्या है ये जो, और मैक्सिकन पिटोनिया में क्या होता है ये जो हाइब्रिड होता है ये नीचे प्लांट बहुत सारे, ये पत्तियाँ बहुत होती हैं इसमें ग्रीन, तो ये नीचे टच रहते हैं इसलिए ख़राब होने लग जाते हैं। और जो वो होते हैं लॉन्ग वाले लंबे वाले वो ऊपर ऊपर चलते हैं, लंबे लंबे होते हैं और नीचे पत्तियाँ उनमें कम रहती है, तो वो ख़राब नहीं होते। और ये हाइब्रिड वाले फूल तो बहुत देते हैं, सुंदर भी लगते हैं, पत्तियाँ भी सुंदर लगती हैं, मगर ये इसीलिए ख़राब हो जाते हैं नीचे से। जैसे अब ये ख़राब था, इसको सही कर दिया तो ये सही हो जाएगा, बस ये इसके केयर टिप्स है। और मैंने जितने मैक्सिकम पिटोनिया थे मेरे पास, मैंने सभी को नीचे से सब पत्तियाँ गली सड़ी निकाल के, ऊपर भी जितने फूल पत्तियाँ गली सड़ी थी सब निकाल दी, और जितने भी येलोइश थी सारी पत्तियाँ तो ऊपर तक, तो मैंने वो सभी निकाल दी, बस ग्रीन पत्तियाँ छोड़ी हैं वो, इसीलिए अगर पीली पत्ती और थोड़ा हरी पत्ती भी वो भी निकाल दी, मतलब आधी हरी आधी पीली थी वो, उसको भी निकाल दिया वो, इसलिए कुछ दिन में वो भी सूख जाती, वो फिर बाद में हमें करनी पड़ती, इसलिए मैंने आज ही सबको सफाई कर दी और बस ग्रीन ग्रीन छोड़ी। अब ये काफ़ी समय तक हमारे ये बरसात में प्लांट बने रहेंगे। तो ये देखिए सभी में मैंने हल्दी अप्लाई कर दी है, कुछ मिट्टी में कुछ ऊपर से, तो ये सारे बचे रहेंगे, अब इन्हें कोई भी फंगस का अटैक नहीं होगा। और ये ऐसे ही मैंने इसमें सदाबहार में ये जो होता है विन का, तो इसमें भी ऐसे ही दिया, ये फूल निकाल दूँगी
निकाल दूंगी, क्योंकि ये मैंने कटिंग लगाई तो अभी फ़िलहाल है, मैं इसको हटा दूंगी। तो जितने फूल होते हैं या इसके सीड्स होते हैं तो इनको सबको हटा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कटिंग जो लगाते हैं हम तो कटिंग में ये प्लांट क्या करता है, फिर ये इसी को ही एनर्जी देता है, तो वो उसमें ग्रोथ में जो इसकी ये होता है जड़ें होती है तो उसको नहीं देगा, वो इसी में ध्यान पूरा लगा देता है, अपना प्लांट एनर्जी पूरी लगा देता है, तो इसको हमने इसलिए निकाल देना है। ये देखिए इसके फूल को, ताकि ये जड़ बनाने में जो है अपना पूरा ध्यान दे प्लांट, इसलिए निकाल देते हैं कटिंग में जो भी फूल और ये पत्तियाँ ज़्यादा होती ना, तो इनको भी निकाल देते हैं, 2-3-4 छोड़ो, बाकी इसमें नीचे तक सब निकाल दो, इसकी जो बिनका की होती है। और ये मैंने देखो ये जेरेनियम का प्लांट लगाया था और इस पर फूल भी आ गए थे, और देखो फूल भी ना ऐसे ख़राब कर देते हैं, फूल जो होते हैं सूख के उसी पे गिर जाते हैं प्लांट पे, तो इस तरह से फंगस लग जाती है, इसलिए हमारा जो फूल भी अगर गिर जाए ना पत्ती पे तो उसको भी हटा दें, नहीं तो इस तरह से ये फंगस पकड़ जाते हैं। ये देखो फूल जम गया यहाँ पे, ये भी निशान छोड़ दिया, तो इसलिए फंगस पकड़ जाते हैं, तो इनको भी जो है पूरा इसको बिल्कुल भी बारिश में नहीं रखना। और ये नीचे की मैं पत्ती निकाल दूँगी, और ये देखिए ये भी सड़ गया नीचे, तो इसको भी निकाल दूँगी, जो भी इसमें सड़ा गला है सभी को निकाल देंगे, और बस प्लांट को खाली रखेंगे। ये देखो, और इसमें भी मैं हल्दी अप्लाई कर दूँगी थोड़ा सा गुड़ाई करके इसको, और इसको ये बिल्कुल रेतीली मिट्टी हो रही, तो अब ये तो चल गई है कटिंग, तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर से गुड़ाई करके, रिपोर्टिंग तो अभी नहीं करूँगी क्योंकि बड़ा है ये, तो इसमें दो मुट्ठी, एक मुट्ठी मैं नीम खली और दो मुट्ठी मैन्यूर डाल दूँगी, कोई भी जो हमारा ये फर्टिलाइज़र होता है, काउडंग या लीप कंपोज, कोई भी कंपोज हमारे पास है तो इसे मैं कंपोज भी दे दूँगी, जिससे अच्छे से चल जाएगा फिर ये। तो देखिए कटिंग कर दी थी हमने तो लगा दिया था, तो ये जेरेनियम का बच गया, और जेरेनियम के जितने मेरे पुराने वाले थे वो सारे ही ख़त्म हो गए, तो ये कटिंग का ये फ़ायदा होता है। तो अभी भी हमें कटिंग का ध्यान रखना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी, ये फंगस के सारे निकाल देंगे, जो सूखी पत्तियाँ गली छोड़ी और जो फूल हैं वो सब निकाल देंगे, और इसको जैसे मैंने बताया वैसे कर दो, तो ये प्लांट हमारे बने रहेंगे। और ये देखिए कितनी सारी मैंने पत्तियाँ निकाल दी सभी की, और ये देखो सदाबहार की, मैक्सिकन पेटोनिया की, और अपने कलंची को भी सारी सफाई कर दी, प्लांट की आज सारी सफाई की है मैंने, जितने भी ये गमले थे कटिंग के, जितने भी ये गमले थे कटिंग के सभी की सफाई कर दी, और सबको हल्दी से पाउडर देखो डाल दिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, अब इन पर कोई परेशानी नहीं होगी इनको, तो सारे ये चलते रहेंगे हमारे। और डेंथस पे भी मैंने ऐसे ही किया था, इस पर ये बहुत घना था, तो इसको मैंने सारी पत्तियाँ निकाल के इसकी यहाँ तक ये पूरी पत्ती निकाल दी थी, तो अब इसलिए ये देखो ये छोटी छोटी ब्रांचेज आने लगे इस पर, और फिर दोबारा अभी मैं इसकी फिर सफाई कर दूँगी, जो नीचे गली सड़ी हो रही है इसमें, ये दोबारा से मैं कर दूँगी इसको, तो ये भी सारा ठीक हो जाएगा। और इसको जैसे ये कट करके इतना सूखा सूखा, और इसको हम लगा देंगे कटिंग से, ये तैयार हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया है इन पे भी, जितने भी मेरे ये वाले प्लांट थे बहुत सारे हैं मेरे पास ये डायंथस के, तो मैंने सभी को ऐसे ही किया है जैसे ये इस पे किया है, इस पे भी मैं हल्दी का ये गुड़ाई करके और थोड़ा हल्दी का पाउडर डाल दूँगी मिट्टी में। और ये देखो मैंने ये थर्माकोल के इस तरह लगा दिए, ये बहुत घना था तो मैंने सपोर्ट में नीचे से इसको लगा दिया, ये गलता सड़ता नहीं है ये थर्माकोल, तो इसकी सपोर्ट से ये ख़राब नहीं होते प्लांट भी, तो मैं ऐसे भी कर देती हूँ, कहीं पे पत्थर लगा देती हूँ नीचे से मिट्टी से, तो इसलिए ये देखो हरा भरा है, ये चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो ऐसे आप भी करना, अब इसको भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ जैसे मैंने इसको किया था, अब इसको भी सारी गली छोड़ी पत्ती जितनी है सब निकाल दूँगी। तो इसको मैंने हो गया 8-10 दिन से भी ज़्यादा हो गया वो ये काम किए हुए, तो ये ठीक ठाक है, देखो ये ख़राब नहीं हुआ, गला सड़ा नहीं है, ये ठीक है, ये बिल्कुल सड़ा होगा, तो क्योंकि हम गली सड़ी ये पत्तियाँ निकाल देंगे तो फिर ये बाद में हमारे प्लांट ख़राब नहीं होते हैं, तो इस पर भी मैं वही काम करने वाली हूँ। जितने भी ये फूल हैं पुराने इनके ये निकाल देंगे पूरे, और ऊपर से ये टिप्स पूरा ही निकाल देंगे, ताकि ये नीचे ब्रांच इसमें आ जाए, तो इसमें ऐसे ही होता है, ऊपर से निकाल दो, जो फूल आ चुका है पुराना हो गया फूल उसको निकाल दो, तो नीचे से ये ब्रांचेज बन के बहुत सारी आती है फिर, तो इसको मैं ऐसे ही करती हूँ, सारे जितने भी मेरे प्लांट है ज़्यादातर
डायनथस के, उसके साथ यही करती हूँ और उनकी सारी सूखी पत्ती निकाल दूँगी और बिल्कुल भी एकदम एक भी पत्ती नहीं छोड़ेंगे सूखी हुई, सभी को निकाल देंगे। तो ये फिर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता क्योंकि मैंने पिछले साल भी ऐसे ही किया था। और आपका बिल्कुल अगर नीचे से ख़राब हो गया है पूरा तो उसको क्या करना, अगर ग्रीन ग्रीन है तो इतना कट कर दीजिए, जो ग्रीन अच्छा वाला भाग है पार्ट है तो उसको काट के उसकी कटिंग लगा लीजिए, तो उससे भी चलते रहते हैं। ऐसे भी मैंने किया था, मेरा पूरा ख़राब हो गया था पिछले साल, बस थोड़ा सा इतना सा ही बचा था ऊपर, ज़रा सही इतना सा, तो मैंने ऐसे कट करके और उसमें दूसरे में लगा दिया था तो मेरा वो चल गया था। तो ये भी अच्छा है अगर ऐसे भी करते हैं आप। ये देखिए ये एक्स्ट्रा फालतू बढ़ रही है तो इधर से आप काट देंगे इसको। और देखिए डेंथस पे एक बार और बता देती हूँ मैं, नीचे से सारी सफाई करके जितनी भी गंदी पत्तियाँ हैं काली और खड़ी ये ख़राब पीली और गली छड़ी और जो भी फूल सूखे हुए हैं सारा निकाल के उसको और हल्दी इसमें थोड़ा सा अप्लाई कर दें और फिर उसको जैसे ये नीचे हैं क्योंकि ये तो घने होते ही हैं तो पत्तियाँ कुछ तो निकाल ही देंगे हम उसको, अगर ज़्यादा कोशिश करेंगे पत्ती के साथ साथ ये ब्रांच भी आ जाती हैं सॉफ्ट होती है, तो ये बरसात में हम ये काम ज़रूर करेंगे डेंथस पे। तो इसको क्या करेंगे, ये सपोर्ट दे देंगे यहाँ से थर्माकोल की, ये हल्का भी होता और ये ख़राब भी नहीं होता, गलता सड़ता ये सड़ता भी नहीं है पानी में इस तरह से, तो ये क्या होगा ये ब्रांच बिल्कुल भी टच नहीं होगी नीचे मिट्टी में तो ये सड़ेंगी नहीं। तो इसको मैं ये देखो चारों तरफ से ऐसे ही करने वाली हूँ तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर हम ऐसे कर देते ये वाला काम ज़रूर करें, अगर आपके पास डेंथस है तो डेंथस के साथ ये वाला काम ज़रूर करें, ये आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा क्योंकि मैंने ये पहले ही करके देख लिया है तो ये मेरा प्लांट अच्छे से चल रहा है और बिल्कुल गला सड़ा नहीं है और बड़े अच्छे से चल रहा है। तो इसके साथ भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, जितने भी मेरे प्लांट हैं डेंथस के बहुत सारे हैं तो मैं इसी तरह बचा लेती हूँ अपने प्लांट। ये बहुत लोगों की शिकायत थी कि हमारे डेंथस के प्लांट ख़राब हो रहे हैं क्या केयर टिप्स हैं, तो ये मैंने इसीलिए दी। और ये बिनका पे भी शिकायत थी कि बिनका के भी ख़राब हो रहे हैं तो मेरे से बहुत लोगों ने पूछा भी था पहले, तो वो पूछते रहते हैं तो मैं उनको ये बताती रहती हूँ, किसी को भी जैसे यहाँ भी कोई आसपास है उनको भी बता देती हूँ कि इस तरह करो। तो ये देखो बचे रहेंगे, ये देखो सारे अब मेरे ये बिल्कुल पूरे बचे रहेंगे कितनी भी बरसात होगी। और लेकिन अब इसको हम बिल्कुल भी पानी में बारिश में नहीं रखेंगे, अगर हाँ बारिश में रखें आपके तो ये एक काम करना, बस इसके बहुत बड़े बड़े होल करना नीचे से, पानी एक बूंद भी ना रुके तब तो ये बारिश में चलेंगे, और बाकी तो ये शेडी एरिया में ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। और इनको तो बिल्कुल भी बारिश में नहीं रखना, इनको शेडी एरिया में रखें, ये क्रंच हो। और ये देखो, और ये देखो मैक्सिमम पिटोनिया आप पानी में रख सकते मगर पत्ती बिल्कुल भी इन पे नीचे ना हो गली सड़ी, और नीचे तक की सारी पत्तियाँ साफ़ कर दो प्लांट की, तो ये बिल्कुल चलते रहेंगे। और जैसे मैंने बताया है जो भी इसी तरह आप करोगे तो ये आपके प्लांट चलते रहेंगे। ये जेरेनियम का है, इसमें भी मैंने थोड़ी सा मैन्यूर डाल दिया है और हल्दी भी डाल दी है और इसमें मैंने दोनों ही चीज़ डाल दी और नीम खली भी डाल दी। तो इस तरह अगर ऊपर फंगस पकड़ती है तो ऊपर में यही करना है, एक लीटर पानी और एक चम्मच नीम ऑयल लेके उसको ऊपर से स्प्रे कर दो सभी प्लांट पर, तो ये ऊपर की फंगस होती है जैसे, तो मिलीबग ज़्यादा अटैक करता है इन पर, तो उस पर ये मैक्सिकन पिटोनिया इन पर मिलीबग ज़्यादा करता है, तो उसको पानी को उसको स्प्रे कर दे नीम ऑयल का, तो ये बचे रहेंगे। तो इन पर ज़्यादा नहीं लगती, इन पर भी लगती है तो नीचे से ही लगती है बस। तो देखिए ये मैंने इस पर कर दिया था तो इसी सारी पत्तियाँ हटा दी थी, तो देखिए ये ब्रांच छोटी छोटी निकल के आ गई, अब ये ख़राब नहीं होंगे। और इनकी सभी की आप कटिंग ज़रूर लगाएं ताकि अगर प्लांट ख़त्म हो जाते हैं नीचे से ऊपर की कटिंग लगा लें और तो ये हमारे बचे रहते और ये फूल बराबर फिर आपको देते रहते। तो देखिए ये देखिए डेंटस में ये मैंने दूसरे ढंग से किया, उसमें तो सपोर्ट दी थी गमले में और इसमें ये निकाल दिया, इसका काफ़ी सारा घना था ये निकाल दिया क्योंकि इससे भी ये ख़राब हो जाते। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने सब में हल्दी मार दी और हल्दी लगा दी गुड़ाई करके, और ये जितनी है ये इसकी कटिंग लगा दूँगी, कुछ इसी प्लांट में कुछ अलग से लगा दूँगी, तो ये मेरे प्लांट ये ठीक ठाक चलते रहेंगे। अगर बाई चांस मदर प्लांट मर भी जाता है तो ये कटिंग से ये चलते रहेंगे, ये कटिंग इसकी लग जाएगी तो दो चार बहुत सारी लगाएंगे कटिंग तो एक दो चार तो चली जाएंगी इसमें। और अगर हम हल्दी से कटिंग लगाते हैं, हल्दी से ऐसे लगा के कटिंग लगाते हैं तो ये फंगी साइड का काम करता है, तो इसे फंगस नहीं पकड़ता है
और ये देखिए मैंने सभी में ऐसी जितनी भी कटिंग लगाई, कुछ हल्दी से कुछ एलोवेरा से, तो अभी आज जो लगाई है वो सारी मैंने हल्दी से डिप करके लगाई है। ऊपर नीचे कटिंग में दोनों तरफ हल्दी लगा लीजिए और ये दो नोड्स एरिया अंदर मिट्टी में जाने चाहिए हमारा। तो ये देखिए मैं उंगली से ही कर देती हूँ। और बरसात में क्या है, हमें गर्मी के बिल्कुल उल्टा चलते हैं, उल्टा चलना चाहिए इसको, क्योंकि बरसात में तो सूखा रहता है, तो पत्तियाँ इस पर कवर करते हैं तो वो उसके लिए ठीक रहता है। अगर कवर करते हैं तो उसमें नमी बनी रहती है, लेकिन इस समय बरसात में अगर हम इसको ये पत्तियाँ छोड़ देंगे तो ये फंगस पकड़ जाएगी, प्लांट पूरा ही ख़त्म कर देगी, चौपट कर देगी। तो इनकी कटिंग मैंने बहुत सारी लगा ली है। आपको ये मेरे केयर टिप्स कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू।